आप देख रहे हैं शाह मीडिया। नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम चौधरी, शाह मीडिया से। घर में रखे सोने की देनी होगी जानकारी। मोदी सरकार ला रही है एक नई स्कीम। भारत में लोगों के घरों में करीब 25,000 टन सोना रखा हुआ है। इसका एक बड़ा हिस्सा गैरकानूनी रूप से रखे गए सोने यानी इल्लीगल गोल्ड का है। अब खबर ये है कि सरकार एक एमनेस्टी प्रोग्राम पर काम कर रही है ताकि टैक्स चोरी कम हो और सोने के आयात पर निर्भरता भी कम हो। वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अब भारत में गैरकानूनी रूप से घरों में रखे गए सोने के लिए एमनेस्टी प्रोग्राम यानी आम माफ़ी कार्यक्रम पर विचार कर रही है। इस प्रोग्राम के ज़रिए सरकार चाहती है कि टैक्स चोरी पर लगाम लगे और आयात पर निर्भरता कम हो। एक बिजनेस न्यूज़ वेबसाइट ने मामले से जुड़े लोगों के हवाले से एक रिपोर्ट लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार लोगों से अपील करेगी कि वो गैरकानूनी रूप से रखे पीली धातु के बारे में टैक्स विभाग को जानकारी दें। इसके लिए उन्हें लेवी या पेनल्टी देनी होगी। हालांकि यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है। सरकार अभी भी संबंधित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रही है। पीएम मोदी ने राज्यों की सहमति से साल 2015 में प्लान के बारे में जानकारी दी थी, जो कि घरों में रखे करीब 25,000 टन सोने संस्थाओं द्वारा फिजिकल गोल्ड रखना और आयात कम करने के बारे में था, ताकि निवेश के वैकल्पिक साधन मिल सकें। हालांकि ये प्रोग्राम पॉपुलर नहीं हो सका, क्योंकि एक वर्ग अपने पास रखे सोने को छोड़ना नहीं चाहता था। घरों में रखे सोने का एक बड़ा हिस्सा ज्वेलरी के फॉर्म में है और विशेष मौके पर इसे पहना जाता है। हालांकि एक दूसरा वर्ग वो भी था जिन्हें डर था कि उन्हें टैक्स विभाग द्वारा दंडित भी किया जा सकता है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि जो लोग अपने गोल्ड का ब्यौरा देंगे, उन्हें कानूनी रूप से रखे अपने गोल्ड का एक हिस्सा सरकार के पास जमा करना होगा। पिछले साल 30 अक्टूबर को एक अन्य मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि उस दौरान भी सरकार एक ऐसे प्रोग्राम पर काम कर रही थी। हालांकि उस दौरान टैक्स विभाग ने ऐसे किसी प्रोग्राम की खबरों को खारिज कर दिया था। इस साल सोने के भाव में अब तक 30% तक का इजाफा देखने को मिला है। मौजूदा कारोबार वायरस महामारी ने इसे और भी बढ़ने में मदद की है। दरअसल वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर अनिश्चितता के माहौल में निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्प को वरीयता दे रहे हैं। हाल ही में गोल्डमैन रैक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि आने वाले समय में दुनिया भर की सरकारें अगले राहत पैकेज का ऐलान करने में लगी हैं। ऐसे में बुलियन मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगी। गोल्डमैन रैक्स के गोल्ड के भाव का अनुमान $2,300 प्रति औंस लगाया गया है। इस बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी से गुरुवार को दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत ₹118 बढ़कर ₹53,742 पर पहुंच गई, जबकि चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी का दाम ₹66,484 से घटकर ₹64,100 हो गया। इस दौरान कीमतों में ₹2,384 की गिरावट दर्ज की गई। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शाह मीडिया।